अगर आपके रिकनेक्ट की स्प्लिट एसी में ईसी एरर कोड आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है, चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ देने वाला हूं। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, ईसी एरर तभी आता है जब आपका इंटरनली कोई तरह का इशू होता है, ऊपर से नहीं। ये आपका इस तरह का एरर कोड नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा कम्युनिकेशन का, ये आपका ये एरर नहीं है, ठीक है, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। आप लोगों को लाइव प्रूफ में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं आप ईसी एरर कोड हमारा शो होने लगा है, देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। कुछ देर हमारा ऐसे चल रहा है, 5 से 10 सेकेंड, उसके बाद तुरंत में ही हमारा ईसी एरर कोड आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, चलिए हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस कैबिनेट को, ढक्कन को सबसे पहले ओपन किया और यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कहीं ऐसा नहीं कि तार वगैरह कटा हो या फिर डिस्प्ले वगैरह का तार कटा हो, जिस तरह से यहाँ पर तार गया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है चूहा वगैरह तार हमारा कट करता है, जो हमें पता नहीं चल पाता है। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ऑडो यूनिट की तरफ, ऑडो यूनिट में देख रहे हैं कि हाँ वोल्ट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑडो यूनिट हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो भाई वोल्ट तो हमारा यहाँ पर पहुँच रहा है, देख सकते हैं 236 वोल्ट, लेकिन ऑडो यूनिट का ना ही कंप्रेसर हमारा चल रहा है और ना ही हमारा फ़ैन चल रहा है, कुछ का कुछ यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को फ़ैन ब्लेड भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके हाँ भाई यहाँ पर फ़ैन ब्लेड भी नहीं चल, देख सकते हैं आप यहाँ कुछ से कुछ ओपन नहीं हो रहा है। क्यों ये चल नहीं रहा है बताता हूँ मैं, यहाँ देख सकते हैं ये हमारा जो रिकनेक्ट का एसी है सामने में, जिसमें प्रॉब्लम ही आ रहा है, एरर कोड EC51 इस तरह से आ रहा है। तो भाई मल्टीमीटर से मैंने तो अभी आपको दिखाया कि वोल्टेज में सो रहा है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए कैबिनेट भी ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पर कि इंटरनल कोई तरह का इशू है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइन तो आ रहा है हमारा, लेकिन हाँ ये हमारा स्टार्ट हो नहीं रहे, चलिए उसे भी देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हमारा ये सभी स्क्रू को हम लोगों ने ओपन कर दिया है, अब देख सकते हैं चार जो स्क्रू था इसको ओपन कर दिया, और यहाँ पर भी एक स्क्रू था इसको भी ओपन कर दिया जो कि किट से अटैच था। अब क्या करेंगे, इसको ओपन हम लोग करेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ से है। तो भाई प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है इस जगह पे, तो जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स ये यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको शॉर्टिंग दिखेगा इस जगह पर, आप देख सकते हैं नोटिस करके देख सकते हैं यहाँ पर आपका शॉर्टिंग है, यहाँ पे इजली यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, यहाँ ये शॉर्ट कर चुका है, ये आईसी वगैरह जो भी पार्ट्स है ये यहाँ से शॉर्ट करके पता चल रहा है कि हमारा ख़राब है, यहाँ देख सकते हैं आप इस जगह से। तो भाई यही प्रॉब्लम है हमारा, जिसकी वजह से हमारा ये एरर कोड शो हो रहा है। बाकी सभी जगह पर मैं नोटिस कर रहा हूँ तो सभी जगह में सभी पार्ट्स सही है, कोई तरह का इशू नहीं है। मैं यहाँ वोल्ट भी आ रहा है हमारा, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर लाइन तो आ रहा है हमारा, लेकिन हाँ आउटपुट जो हमारा है कंप्रेशर वगैरह वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए एरर कोड यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी कहीं से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ये जो एरर कोड आ रहा है बस इसी के प्रॉब्लम से ही आ रहा है, यहीं की वजह से यहाँ से शॉर्ट जो है इसी का। अब हम लोगों को डायरेक्ट PCB चेंज करना पड़ेगा, PCB चेंज करने के बाद ही ये प्रॉब्लम हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो PCB हमारा वहीं पर से शॉर्ट खाया हुआ है, जिसकी वजह से ये कोड हमारा शो हो रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।